हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि वन प्लस एट डिवाइस जो है उसके ऐसी कौन सी पांच खासियत है, यानी कि फाइव प्रोज, जिसकी वजह से आपको इस फोन को जो है खरीदना चाहिए आज के टाइम में। तो इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। साथ में ही अगर आपका कोई भी कमेंट या सुझाव है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर ही देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है इसकी डिस्प्ले। 90 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले मिलती है, तो रिफ्रेश रेट जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। डिस्प्ले क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपको जो है एक्सपीरियंस मिलता है इस फ़ोन के अंदर। तो कुछ भी आप रन करेंगे आपको जो है कोई भी दिक्कत जो है देखने को नहीं मिलती है। और साइड में से आपको थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले भी दिया गया है, तो आपको जो ग्रिप वगैरह है बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है। स्लिम फ़ोन है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है अदर फोन्स की तरह। तो इस प्राइस रेंज में जो है इतना लाइट वेट फ़ोन बनाना 40,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में और इतना बड़ा होते हुए भी, वो एक कमाल की बात लगी मुझे। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि इसकी बैटरी। तो बैटरी लाइफ के मामले में जो है ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है वन प्लस ने। लगभग आपको 1.5 दिन का जो है बैटरी बैकअप मिल जाता है इस फ़ोन से आराम से। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, तो 1 आवर में ऑलमोस्ट आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाती है। नीचे की तरफ आपको टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि इसका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, यानी कि जो UI का ऑप्टिमाइजेशन है वो सबसे अच्छा है। अगर आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं अब तक, और अगर आपने वन प्लस यूज़ किया, तो जो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है, जो स्मूथनेस आपको मिलती है इस फ़ोन में, वो कमाल की है। बाकी फ़ोन्स में आपको इतनी अच्छी स्मूथनेस देखने को नहीं मिलती है जो कि आपको इस फ़ोन में देखने को मिलती है। अगले पॉइंट की बात करें, जो कि अच्छा है वो है इसका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के मामले में ये फ़ोन जो है बेस्ट है आज के टाइम में 2020 में। एक स्नैपड्रैगन का 865 जो प्रोसेसर है वो बेस्ट है, उससे अच्छी परफॉर्मेंस जो है कोई भी और फ़ोन आज के टाइम में नहीं देगा, यानी कि सबसे फास्ट है। इसके अलावा 5G इनेबल्ड डिवाइस है। आज के टाइम में अगर आप एक 5G फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं, फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं वन प्लस एट। इसके अलावा अगर आप अभी परचेज कर रहे हैं, यानी कि जून के महीने में, जून 2020 में, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा है SBI के कार्ड से। यानी कि अगर आप 42,000 वाला मॉडल लेंगे तो आपको लगभग 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको पड़ जाएगा लगभग 40,000 रुपीज़ की प्राइस में। तो ओवरऑल जो आपको जो डील मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो अगर आपका बजट है एग्जैक्ट 40,000 रुपीज़, तो आज के टाइम में जो है ये बेस्ट डिवाइस है, आप खरीद सकते हैं बिल्कुल वन प्लस को। कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस फ़ोन के बारे में मेरे को, तो कि भाई इस फ़ोन को ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ इस फ़ोन के अंदर अच्छा है। कोई भी कमी मुझे तो दिखाई देती नहीं है इस फ़ोन के अंदर। इतना स्मूथ एक्सपीरियंस आपको कोई भी और फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन तो नहीं दे सकता, जो कि आपको जो है वन प्लस देता है। कोई भी और फ़ोन आप उठा लीजिए आपको नहीं मिलने वाला है, चाहे आप रियलमी का ले लीजिए। मैंने ऑलरेडी कंपेरिजन कर रखा है, अच्छा है रियलमी भी, बट इतना अच्छा नहीं है। वन प्लस एक अलग ही लेवल पर जो है ले गया है। बाकी आप मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं वन प्लस डिवाइस के बारे में, कि आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की ID है ड्रोन टेक्निकल के नाम से, वहाँ पर भी आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।